आप जो मार्केट से एलईडी टॉर्च लेते हो वो ज़्यादातर लीड एसिड बैटरी की होती हैं और लॉन्ग बैकअप भी नहीं देती, लेकिन जो हम बनाने वाले हैं वो लॉन्ग बैकअप के साथ साथ 100 मीटर की लॉन्ग रेंज भी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रो वीडियो। कंपोनेंट्स में पीवीसी पाइप की पीस जिसकी लेंथ लिथियम आयन बैटरी से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा हो, एलईडी बल्ब का कवर, 1 वाट एलईडी विद रिफ्लेक्टर, 18650 लिथियम आयन बैटरी, स्लाइड स्विच, एलईडी इंडिकेटर, आयन 4007 डायोड, 220 ओम रेजिस्टर और चार्जिंग जैक। इस पीवीसी पीस पर पाइप को रखकर सेमी सर्कल मार्क करके कट करेंगे। हमें 2 सेमी सर्कल मार्क करने होंगे कुछ इस तरह से। और ये रहे हमारे आज के विनर्स, जिनमें कैक्टस इलेक्ट्रॉनिक, मिस्टर मीर इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड मिनी इन्वेंट, ओनली एक्सपेरिमेंट एमके, मॉडर्न आइडिया विपू, इंडियन एक्सपेरिमेंट 2M, यूनिस एक्सपेरिमेंट नदीम सादिक, फैजान अहमद नहीम सादिक और नीलेश रोबोटिक्स। अब एक स्मॉल पीस पर स्लाइड स्विच के बराबर मार्क करके कट करेंगे और इस तरह से स्मॉल पीसेस लेंगे, ये स्विच को होल्ड करके रखेंगे। सेमी सर्कल्स वाली पीसेस के साथ और पीसेस को लगाकर बॉक्स बना लेंगे। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक को भी कमेंट करना ना भूलें। अब इस पाइप को पीवीसी पीस पर रखकर सर्कल मार्क करेंगे और इस सर्कल में चार्जिंग जैक और एलईडी इंडिकेटर के लिए होल बनाएंगे। चार्जिंग जैक की पॉजिटिव लेग को डायोड की पॉजिटिव लेग के साथ और चार्जिंग जैक की नेगेटिव लेग को 220 ओम रेजिस्टर के साथ सोल्ड करेंगे। एलईडी इंडिकेटर की नेगेटिव लेग को रेजिस्टर की बची हुई लेग और पॉजिटिव लेग को डायोड की पॉजिटिव यानी चार्जिंग जैक की पॉजिटिव लेग के साथ सोल्ड करेंगे। ये रेड वायर डायोड की नेगेटिव के साथ सोल्ड है और इसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ सोल्ड करना है, और ब्लैक वायर चार्जिंग जैक के नेगेटिव के साथ सोल्ड है और इसे बैटरी के नेगेटिव के साथ सोल्ड करना है। आप मेरा ये वीडियो भी हाथ में फ़ोन रख के देख रहे हो, ऐसे तो आप थक जाओगे। मेरा मोबाइल होल्डर वाला वीडियो देखकर उसे घर पर बनाएं और मज़े से वीडियोस देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद उसे भी ज़रूर देखें। स्विच की एक लेग को बैटरी के साथ और दूसरी को एलईडी रिफ्लेक्टर के साथ सोल्ड करेंगे और एलईडी रिफ्लेक्टर की बची हुई लेग को बैटरी के साथ सोल्ड करेंगे। ये सर्किट वैसा ही है जैसा हम प्रीवियस वीडियोज़ में इमरजेंसी लाइट में यूज़ करते थे। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक प्रो ला रहा है अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए गिफ्ट्स, और गिफ्ट्स उन्हीं को मिलेंगी जिन्होंने ज़्यादा बार क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा। गिफ्ट्स के साथ साथ आज इलेक्ट्रॉनिक प्रो लाया है न्यू अपडेट्स, जिसमें इस चैनल पे फ्यूचर में कुछ ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जिसमें स्कूल प्रोजेक्ट्स वीडियोज़ फॉर स्टूडेंट्स, वुमेन प्रोटेक्शन वीडियोज़ फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस, रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट्स के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, इस वीडियो में कौन सा रेजिस्टर यूज़ किया था, 200 ओम, 65 ओम, 220 ओम या 100 ओम? हमने ये रिफ्लेक्टर प्रोटेक्टिंग ग्लास प्लास्टिक बॉटल का बनाकर यूज किया है। इसको पेंट करने से पहले स्विच और चार्जिंग जैक पे टेप लगा लेंगे।
तो ये था हमारा आज का प्रो वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक प्रो साइनिंग ऑफ टुडे। थैंक यू।